दोस्तों, आज की इस वीडियो में जूम के बारे में तीन टॉपिक को लेकर के डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट है जूम मीटिंग क्या है, सेकंड जूम मीटिंग कैसे अटेंड करें, थर्ड है जूम मीटिंग कैसे होस्ट करें। तो जूम मीटिंग एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जूम एप्लीकेशन और इंटरनेट द्वारा सेमिनार कंडक्ट की जाती है, जिसे वेबिनार कहे जाते हैं। वैसे देखा जाए तो मार्केट में बहुत सारे वेबिनार ऐप है, जिसे जैसे कि स्काइप, इजी टॉक, वेबएक्स आदि, लेकिन सबसे पॉपुलर जूम एप्लीकेशन ही है। चलिए देख लेते हैं जूम मीटिंग अटेंड कैसे करते हैं। सबसे पहले प्ले स्टोर से जूम एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा और इस पर टाइप करना है आपको ZOOM जूम। यहाँ पर देखिए टॉप में जूम क्लाउड मीटिंग है, इसको इंस्टॉल आप करिए। मेरा पहले से किया हुआ था इसीलिए ओपन दिखा रहा है। चलिए मैं इसको ओपन करता हूँ। अभी देखिए जो पेज दिखा रहा है इसमें ज्वाइन ए मीटिंग यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अगर आप सीधे मीटिंग अटेंड करना चाहते हैं तो ज्वाइन ए मीटिंग में जाकर के आप मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको मीटिंग का आईडी जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए मैं इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखिए मीटिंग आईडी पूछ रहा है। तो मीटिंग आईडी आपका ग्रुप में या तो जो मीटिंग होस्ट कर रहे हैं उनके द्वारा आपको मिली होगी मैसेज, तो मैसेज के द्वारा मैसेज में जो मीटिंग आईडी है उसको आप पेस्ट करके यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे और एक ऑप्शन दिया है नेम का, यहाँ पे नेम आप अपना नेम और लोकेशन वाइज आप दे सकते हैं। अगर आप इस पर नेम नहीं देते हैं तो मोबाइल का जो मॉडल नंबर है वो यहाँ पे दिखाई देता है। तो मेरे पास जो व्हाट्सएप ग्रुप में एक है जो मीटिंग जो कॉन्डक्ट होने वाली है, तो उस पर डायरेक्टली चलता हूँ। देखिए यहाँ पे एक मैसेज सर्कुलेट किया गया था ज्वाइन जूम मीटिंग, यहाँ पे लिंक भी दिया हुआ है। इस पर अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं उसके बाद लिंक को क्लिक करते हैं तो सीधे जाके मीटिंग में आप एप्लीकेशन, देखिए जूम यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे सीधे जाके मीटिंग में ज्वाइन हो सकते हैं। प्लीज एंटर योर नेम, नेम अगर चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। प्रोसेसिंग में है, देखिए जो सेशन में ऑलरेडी एंटर हो गए हैं इसमें आपका दो ऑप्शन दिखाई दे रहा, कॉल वाया डिवाइस ऑडियो एंड डायल। यहाँ कॉल वाया डिवाइस ऑडियो पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए अभी लाइव सेशन है, पहले आप देख लीजिए, ये लाइव में दिखा रहा हूँ, उसके बाद आगे चल करके और डिटेल में आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिए बहुत सारे जो पार्टिसिपेंट है उनका जो यहाँ पे देखिए फोटो दिखा रहा है। अगर आप भी ज्वाइन करेंगे तो आप भी अगर वीडियो ऑन रखेंगे तो आपको भी यहाँ पे दिखा सकता है। देखिए बहुत सारे पार्टिसिपेंट है, कितने पार्टिसिपेंट है उसको देखने के लिए यहाँ पर देखिए नीचे जो आपको पांच ऑप्शन दिया गया है, पहले इस ऑप्शन के बारे में समझ लेते हैं। फर्स्ट जो ऑप्शन है आपका माइक का है, अनम्यूट है। अगर होस्ट चाहेंगे तो ये जो माइक है अनम्यूट रख सकते हैं ताकि आपकी आवाज़ ऑडियंस की आवाज़ मतलब कॉन्फ्रेंस जो चलता है मीटिंग जो चल रही होती है उसमें डिस्टर्ब ना हो। तो फर्स्ट ऑप्शन इसको माइक म्यूट अनम्यूट कर सकते हैं, अगर वो आप खुद भी बंद कर सकते हैं। सेकंड है वीडियो, अगर वीडियो आप ऑन रखते हैं तो आपका जो फोटो है उन सभी के पास पहुंचेगा, डिस्टर्बेंस भी हो सकती है। और थर्ड जो ऑप्शन है यहाँ पे शेयर का ऑप्शन दिया गया है, इसको आप शेयर करते हैं तो यहाँ पे पेज का शेयर होके शेयरिंग हो जाता है, इसको हमेशा यूज नहीं करना चाहिए। और चौथा जो है आपका पार्टिसिपेंट दिखा रहा है, देखिए यहाँ पर जितने भी पार्टिसिपेंट यहाँ पे
अटेंड किए हैं अभी तक मीटिंग। ऊपर में दिखा रहा है देखिए 45-46 पार्टिसिपेंट है, टॉप में आपका नाम रहेगा, उसके बाद होस्ट जो करेंगे होस्ट का नाम रहेगा। यहाँ पर देखिए दो लोगो दिखाई दे रहा है ऑडियो और वीडियो का। अगर आप यहाँ पे दबाते हैं वीडियो, यहाँ पे हैंड रेज करने के लिए बता रहे हैं, तो कोई भी एक क्लिक करने से रेज, मतलब आपका अगर वीडियो ऑडियो बंद है, होस्ट को कुछ आप बताना चाहते हैं, तो यहाँ पे रेज हैंड पर क्लिक करके आप रेज हैंड करके जब करेंगे, यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन में आ रहा है, वो होस्ट सोचेंगे कि आप कुछ कहना चाहते हैं तो आपका जो माइक है उसको अनम्यूट करेंगे। लोअर हैंड आप करिए, लोअर हैंड करने से जो जो ऑप्शन था हैंड का, जो नोटिफिकेशन था वो हट गया है। और उसके बाद रीनेम दिया है आपका नाम, अगर रनिंग में कुछ चेंज करना चाहते हैं तो नाम आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से दो तीन ऑप्शन जो मैं दिखाया इसको आप कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे देखिए दो और ऑप्शन है, नीचे चार्ट है, चार्ट और राइट साइड में इनवाइट है। चार्ट में देखिए कि मैं क्लिक करता हूँ, चार्ट में क्लिक करने से यहाँ पे देखिए सेंड टू एवरीवन दिया है और इंडिविजुअल भी दिया है। तो एवरीवन के पास अगर कुछ लिखना चाहते हैं, टाइप करना चाहते हैं कुछ भी, यहाँ पे टाइप करके आप इसको सेंड कर सकते हैं। जब आप सेंड करेंगे तो आपका जो मैसेज है उन तक पहुँचेगा, पार्टिसिपेंट तक। यहाँ पे कुछ मैसेज देना रहेगा तो लोग देंगे, ठीक है। इसको मैं क्लोज करता हूँ। अभी देखिए राइट साइड में इनवाइट का ऑप्शन है, इनवाइट ऑप्शन मतलब जो आपका मीटिंग का जो कोड है, इनवाइटेशन है, दूसरों तक आप पहुँचा सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, मैसेज मैसेंजर हैंगआउट का है ना, इसके थ्रू आप शेयर कर सकते हैं, अपना इनवाइट आप भेज सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मोटा मोटी कैसे आप अटेंड करेंगे जूम मीटिंग बता दिया है। अभी जो पेज को मैं लीव करता हूँ, अगर आप मीटिंग के दौरान आप लेफ्ट होना चाहते हैं, लीव करना चाहते हैं, तो आप लीव कर सकते हैं। यहाँ पे लीव का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप लीव कर सकते हैं। चलिए लीव मीटिंग यहाँ पे दिखा रहा है, मीटिंग को लीव करते हैं, ठीक है। दोस्तों लाइव मीटिंग में हमेशा माइक और वीडियो ऑफ रखना चाहिए, अगर उसको ऑन रहते हैं तो डिस्टरबेंस बहुत, नेटवर्क का भी डिस्टरबेंस रहता है, क्लियरली सुनाई नहीं देता है, और जो होस्ट करते हैं उसका पिक्चर भी क्लियरली दिखाई नहीं देता है। तो इसलिए कोशिश करिएगा कि माइक और वीडियो दोनों को ऑफ रखने के लिए ज़रूरत पड़ने से ही आप उसको ऑन करिए। तो दोस्तों अभी देखेंगे कि जो जूम मीटिंग को होस्ट कैसे करते हैं। मीटिंग होस्ट करने के लिए सबसे पहले साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप में देखिए यहाँ पे मेल आईडी मांग रहा है, मेल आईडी आप डालिए, उसके बाद फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आई एग्री पर क्लिक करिए, फिर नेक्स्ट दबाइए। अभी देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि वी सेंट एन ईमेल टू वेरीफाई योर अकाउंट। जो भी आप मेल आईडी आप डाले हैं, मेल आईडी पर कुछ नोटिफिकेशन जूम के द्वारा भेजी गई है। चलिए मेल चेक कर लेते हैं। देखिए मैं कल एक्चुअली किया था उसको, इसलिए दोबारा दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए जूम का जो मेल यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे एक्टिव अकाउंट, एक्टिवेट अकाउंट दिखा रहा है, ठीक है। तो एक्टिवेट अकाउंट पर क्लिक करना पड़ेगा, क्लिक करने से आपको साइन अप हो जाएगा, और उसका कुछ सिलेक्शन भी है अंदर में, कुछ थोड़ा बहुत आपको जैसे कि पासवर्ड वगैरह सेट करना पड़ेगा, है ना, अपने हिसाब से पासवर्ड दीजिएगा, और कन्फर्म पासवर्ड दोनों का एक रहता है, पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड। पासवर्ड में 8 लेटर का पासवर्ड आपको देना पड़ता है, उसमें न्यूमेरिक और अल्फ़ाबेट दोनों का मिक्सचर रहेगा, उसमें एटलीस्ट 1 करेक्टर आपको कैपिटल देना पड़ेगा, 1 करेक्टर जो है आपको स्मॉल देना पड़ेगा, तो 8 लेटर आपको मिनिमम आप पासवर्ड रख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं।
साइन अप का प्रोसीजर आप समझ गए। अभी चलिए साइन इन करते हैं। साइन इन के लिए मेल आईडी होस्ट करने के लिए, आप जो मीटिंग होस्ट करेंगे उसके लिए आपको मेल आईडी सबसे पहले डालना पड़ेगा, जो मेल आईडी से आप क्रिएट किए थे। चलिए मैं पासवर्ड देके साइन इन करता हूँ। अगर पासवर्ड भूल गए होंगे तो फॉरगॉट पासवर्ड का भी ऑप्शन है, यहाँ से फॉरगॉट कर सकते हैं। अभी देखिए होस्टिंग का पेज यहाँ पे ओपन हो गया है। यहाँ पे खाली होस्टिंग नहीं है, आप ज्वाइन यहाँ से भी, इस पेज से भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ दिया है, देखिए ऊपर में चार ऑप्शन दिया हुआ है। एक है न्यू मीटिंग, सेकंड है आपका ज्वाइन, शेड्यूल है और शेयर स्क्रीन है। तो एक एक करके इसका मीनिंग समझते हैं। न्यू मीटिंग आप करने जाएंगे उससे पहले आपको शेड्यूल करना पड़ेगा। शेड्यूल में देखिए आप यहाँ पर आप अपना टॉपिक का नाम दे सकते हैं। यहाँ पे डेट दिया हुआ है, कौन सा डेट में आप होस्टिंग करना चाहते हैं, डेट कितने बजे से लेकर के कितने बजे तक है। यहाँ पे देखिए 5 PM लिखा हुआ है और 2 का देखिए 5:30 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 5:30 के जगह पे इसको मान के चलिए मैं 6 डालता हूँ, ठीक है ना। फिर सेट करता हूँ, देखिए क्या मैसेज आता है। यहाँ पे दिया है योर जूम बेसिक प्लान हैज़ ए 40 मिनट्स टाइम लिमिट ऑन मीटिंग विथ 3 or more पार्टिसिपेंट, प्लीज़ विजिट। इसका मतलब क्या है कि आप अगर 40 मिनट से ज़्यादा यहाँ पे डालते हैं तो आप यहाँ पे प्रोसेस कर नहीं सकते हैं। कहे कि फ्री का जो रहता है मीटिंग करने के लिए 40 मिनट का ही रहता है, और आप मैक्स टू मैक्स 100 पार्टिसिपेंट को ही ज्वाइन करा सकते हैं। अगर मीटिंग का सेशन लेंदी होने पर दोबारा पार्टिसिपेंट को बोलिए ज्वाइन करने के लिए। 40 मिनट ख़त्म होने के बाद ऑटोमेटिक मीटिंग जो है क्लोज हो जाएगी, फिर दोबारा अटेंड करने के लिए बोलिए। उसी कोड को दे करके, जो आपको मीटिंग का आईडी रहेगा उसको दे करके दोबारा अटेंड करने के लिए आप बोल सकते हैं और मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए यूज पर्सनल मीटिंग का आईडी, जो आईडी के बारे में बता रहा था, जो आईडी हम लोग डालते हैं, यहाँ पे देखिए आईडी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। पासवर्ड, मीटिंग का पासवर्ड भी कर सकते हैं। मीटिंग आप कंडक्ट करेंगे अगर सीक्रेट रहना चाहते हैं, मान के चले आपका जो पार्टिसिपेंट है वही लोग पासवर्ड डाल करके मीटिंग अटेंड करें, तो आप दे सकते हैं। मैं कुछ देर पहले जो दिखाया था मीटिंग सीधे जा करके मीटिंग अटेंड हम लोग कर गए, लेकिन अगर पासवर्ड दिया हुआ रहता तो मुझे पासवर्ड, मीटिंग का जो पासवर्ड है पासवर्ड डालना पड़ता। तो इसके लिए देखिए मीटिंग पासवर्ड ऑफ रखते हैं तो पासवर्ड जो पार्टिसिपेंट रहेंगे पासवर्ड डालना नहीं पड़ेगा। अगर मीटिंग को ऑन रखते हैं, मीटिंग पासवर्ड ऑन रखते हैं तो पार्टिसिपेंट को पासवर्ड, ये वाला जो पासवर्ड दिखा रहा है, पासवर्ड दे करके मीटिंग वो अटेंड कर सकते हैं। अभी देखिए होस्ट, यहाँ पर देखिए कुछ मीटिंग ऑप्शन दिए गए हैं। होस्ट वीडियो ऑन, पार्टिसिपेंट वीडियो ऑन। होस्ट वीडियो ऑन का मतलब क्या है, इसको अगर होस्ट ऑन करते हैं तो सभी पार्टिसिपेंट होस्ट को देख सकते हैं, होस्ट का जो वीडियो देख सकते हैं। अगर इसको ऑफ रखते हैं तो स्क्रीन आपको ब्लैंक लगेगा, कुछ होस्ट का फिगर नहीं दिखेगा। सेकंड है आपका पार्टिसिपेंट वीडियो ऑन। अगर मान के चले होस्ट अगर पार्टिसिपेंट वीडियो ऑन रखते हैं तो सभी पार्टिसिपेंट का वीडियो वहाँ पर दिखाई देगा स्क्रीन पर। अगर वीडियो ऑफ रखते हैं तो कोई भी पार्टिसिपेंट का जो वीडियो है फिगर दिखेगा नहीं, और उसमें क्लियरिटी भी आएगी। यहाँ पे देखिए थर्ड जो ऑप्शन है ऑडियो का ऑप्शन है। यहाँ पे देखिए ऑडियो वॉइस सुनने के लिए डिवाइस ऑडियो अगर टिक करते हैं, ऑडियो ऑन रहेगा, टेलीफोन का भी रहेगा, टेलीफोन एंड डिवाइस दोनों के लिए है, ठीक। उसके हिसाब से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। और नेक्स्ट दिया है एडवांस ऑप्शन। एडवांस ऑप्शन में दिया है एनेबल रूम, अलाउड ज्वाइन बिफोर होस्ट, ये अलग अलग है। और लास्ट दिया है ऐड टू कैलेंडर। इसमें आप कैलेंडर में कुछ भी आपको प्रोग्राम जो सेट है कैलेंडर में आप उसको सेट कर सकते हैं। चलिए इसको अभी बैक में चलते हैं। अभी नेक्स्ट दिया है, अभी जो डिस्कशन किए शेड्यूल के बारे में, अभी जो है न्यू मीटिंग, न्यू मीटिंग के ऊपर क्लिक करते हैं।
यहाँ पे देखिए आपको शेड्यूल में जो बता रहा था वीडियो ऑन और ऑफ के लिए, वीडियो अगर ऑन रखते हैं तो आपका फिगर दिखाई देगा, माने आप यहाँ पे देख सकते हैं, और वीडियो ऑफ रखेंगे तो यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं देगा। यूज पर्सनल मीटिंग पीएम, यहाँ पे देखिए आईडी कोड यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं, मीटिंग आईडी यहाँ पे दिखा रहा है ऑन और ऑफ, ठीक है। अभी देखिए स्टार्ट ए मीटिंग, मीटिंग दिखा रहा है यहाँ पर, अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो मीटिंग का जो स्टार्ट, आप का जो शेड्यूल टाइम है, मीटिंग को आप स्टार्ट कर सकते हैं, होस्ट कर सकते हैं। देखिए पहले जब लाइव में दिखा रहा था, लाइव में जब मैं मीटिंग इन किया था वहाँ पे यही सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे थे ऑडियंस के रूप में। अभी जो स्क्रीन है ये होस्ट के रूप में है, क्या कि होस्ट करने के लिए एक पेज दिया गया है, म्यूट स्टार्ट वीडियो और शेयरिंग का ऑप्शन है, पार्टिसिपेंट है, यहाँ पे देखिए पार्टिसिपेंट अभी कोई नहीं है, है ना। मोर ऑप्शन में बहुत सारा है, डिस्कनेक्ट ऑडियो, मीटिंग सेटिंग दिया है, ऑडियो को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, देखिए जितने भी ऑडियो है अभी डिस्कनेक्ट हो गए हैं। अभी इसको ओपन करते हैं, कॉल वाया डिवाइस ऑडियो, सारे के सारे पार्टिसिपेंट का जो ऑडियो है ऑन हो जाएंगे। अभी मीटिंग ख़त्म करने के बाद यहाँ पे देखिए एंड कर सकते हैं, जैसे कि वहाँ पे मीटिंग लीव करने का ऑप्शन था पार्टिसिपेंट जब हम लोग थे। अभी देखिए होस्ट के रूप में अगर आप होस्ट करते हैं तो यहाँ पे एंड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो एंड करके आप मीटिंग को एंड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे और एक देखने वाली बात है, अगर मान के चलिए 100 पार्टिसिपेंट के लिए फ्री है जूम में 40 मिनट के लिए, अगर आप 100 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट आप लाना चाहते हैं मीटिंग में, उसके लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा। पे करने से जैसे कि 100 से 200, 200 से 300 ऐसे करने से उसके हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे और एक बेनिफिट दिया गया है, अगर आप पेड सर्विस लेते हैं तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग करने का भी एक ऑप्शन रहता है। मैं जो शुरू में दिखा था जो लाइव जो सेशन चल रहा था वहाँ पे रिकॉर्डिंग का ऑप्शन था, इधर जो होस्ट रिकॉर्डिंग करके भी रख सकते हैं। तो दोस्तों ये जो होस्ट करने का जो ऑप्शन है ये मैं डिटेल अब बताने की कोशिश की, चलिए इसको मैं एंड करता हूँ। देखिए लीव मीटिंग एंड मीटिंग दोनों दिया है, चलिए अभी बैक करता हूँ। अभी ज्वाइन का जो ऑप्शन है, जैसे कि हम लोग मीटिंग ज्वाइन करते हैं वही फंडा है, अगर मान के लिए दूसरा मीटिंग में मैं होस्ट नहीं करता हूँ, मैं मीटिंग को ज्वाइन करना चाहता हूँ तो ज्वाइनिंग ऑप्शन को दे करके ज्वाइन कर सकता हूँ। अभी देखिए लास्ट जो एक ऑप्शन बचा है इसमें शेयर स्क्रीन दिया है, यहाँ पर जो कोड दे करके अपना जो मीटिंग कोड है दे करके आप इसको कर सकते हैं। और नीचे देखिए और कुछ ऑप्शन बचे हैं इसमें, शॉर्टकट में मैं ब्रीफली बता देता हूँ। मीटिंग चैट तो ये ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए सेकंड ऑप्शन है मीटिंग की है। मीटिंग में देखिए अगर आप ये मीटिंग आईडी नंबर है इसको आप इनविटेशन भेजना चाहते हैं तो भेजना ही पड़ेगा, नहीं तो पार्टिसिपेंट को पता नहीं चलेगा कि कौन सा मीटिंग कितने बजे है, मीटिंग आईडी क्या है। तो इसके लिए सेंड इनविटेशन का ऑप्शन है, सेंड कर सकते हैं भाया ईमेल है। और इसमें देखिए व्हाट्सअप का ऑप्शन नहीं है, मतलब कॉपी टू क्लिप बोर्ड आपको करना पड़ेगा। कॉपी टू क्लिप बोर्ड अगर आप करते हैं और व्हाट्सअप में जा कर के इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो सेंड इनविटेशन से आप व्हाट्सअप में जा कर के से आप शेयर कर सकते हैं, इसको एडिट भी कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड जो ऑप्शन है आपका कॉन्टैक्ट से, कॉन्टैक्ट इनेबल करते हैं तो कॉन्टैक्ट इनेबल रहेगा तो आपको जो शेयरिंग का ऑप्शन भी वहाँ पे आ जाता है। सेटिंग में देखिए बहुत सारे सेटिंग्स है, इसमें देखिए जो अभी बेसिक पैक चल रहा है फ्री सर्विस है, 100 बंदा आप ले सकते हैं मीटिंग में, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट है मीटिंग का बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है, कॉन्टैक्ट यहाँ पे फ़ोन कॉन्टैक्ट मैचिंग करने के लिए मीटिंग का कुछ देखिए, ऑटो कनेक्ट टू ऑडियो, अलर्ज मीट माई माइक्रोफोन, यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, इसको आप यहाँ पे सेटिंग में जा कर के आप सेट कर सकते हैं।
चार्ट भी दिया है, अबाउट दिया है। दोस्तों यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर में इस पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखिए प्रोफाइल फ़ोटो, यहाँ पर आप जो है अपना फ़ोटो भी यहाँ पे डाल सकते हैं। डिस्प्ले नेम, आपका नेम क्या रहेगा डिस्प्ले में वो आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। पर्सनल नोट कुछ है वहाँ पे डाल सकते हैं। अपडेट पासवर्ड, कुछ पासवर्ड को अपडेट करने के लिए, रिसेट करने के लिए यहाँ पे कर सकते हैं। डिपार्टमेंट कुछ नाम वगैरह देख सकते हैं। जॉब का टाइटल क्या रहेगा इसको देख सकते हैं। लोकेशन भी देख यहाँ पे डाल सकते हैं। कुछ पर्सनल मीटिंग आईडी, यहाँ पर देखिए पर्सनल मीटिंग आईडी पे दिया है प्रो टू चेंज अपग्रेड टू प्रो, प्रो में अपग्रेड करते हैं उसके लिए चार्ज लगेगा। डिफ़ॉल्ट कॉल कंट्री रीजन दिया है, यूजर टाइप दिया है बेसिक है, तो अभी जो फ्री ट्रायल बेस में है, फ्री में है इसीलिए बेसिक दिखा रहा है। इसी पेज में देखिए लॉग आउट है, यहाँ पे नीचे देखिए मीटिंग है बेसिक यूजर, यूजर होस्ट विथ थ्री और मोर पीपल विल बी लिमिटेड फॉर 40 मिनट्स। यहाँ पर देखिए लर्न मोर में जाते हैं, कुछ डिटेल्स जो मैं आपको बता रहा था डिटेल कुछ वहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ जो अकाउंट टाइप ओवरव्यू कुछ दिया है। देखिए जूम मीटिंग का यहाँ पे दिस आर्टिकल कवर्स टाइप ऑफ अकाउंट्स, चार टाइप का अकाउंट है, बेसिक है जो फ्री है ना, प्रो है, बिजनेस है और एंटरप्राइज है, एजुकेशन है। तो चार टाइप का जो जूम का पैकेज है, अकाउंट टाइप है और बहुत सारे डिटेल्स हैं, आप ओपन करके आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इसी पेज में देखिए लॉग आउट का ऑप्शन है, लॉग आउट क्लिक करके आप लॉग आउट सेशन को जो है आप ऑफ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जूम को लेकर के मैं डिटेल बताने की कोशिश की। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर पहली बार आप मेरे चैनल विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मैं पहुंचा पाऊँ। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।